मैं गोवा में लॉरेंस विल्सन जी के साथ हूँ। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 यहाँ पर आयोजित हो रहा है। आईनॉक्स परिसर में कल मैंने देखा कि आपके पास आरंभ से लेकर अब तक के प्रोजेक्टरों का एक विशाल संग्रह है, और बातचीत में उन्होंने मुझे बताया कि ये बचपन से उनका जुनून रहा है और सिनेमा को पर्दे पर दिखाने का छोटे से छोटा साधन जो उस वक्त वो अपनी स्थितियों के साथ और परिस्थितियों के साथ महसूस कर सकते थे, वहाँ से लेकर पिछले लंबे समय तक जैसे जैसे प्रोजेक्शन सिस्टम का विकास होता गया, ये हमको एक पोस्टर दिखा रहे हैं जो उन्होंने कोलाज बनाया है। जैसे जैसे प्रदर्शन का विकास होता गया, आपने प्रोजेक्टर खरीदे, जुटाए और हर हालत में उनको तरोताज़ा और काम लायक बनाए रखने के लिए उसके जतन भी करें। मुझे इनसे बात करना दिलचस्प लगा, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये रुझान कब से हुआ। इससे पहले मैं ये पूछूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोवा में रहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपसे मुझे बहुत खुशी हुई। जी जी। आपसे आके यहाँ पर आके मेरी मुलाकात ले रहे थे, मैं बहुत खुश हुआ, आनंद हो रहा। मैं आपसे मैं इसलिए प्रभावित हुआ कि मैं भी जब बहुत छोटा था तो रेड लेबल चाय का चोकोर बॉक्स आता था, उस पर मैं लेंस लगा के दीवार पे फिल्म दिखाता था, जो दो कार्ड की फिल्म आती थी। मैं भी वही करता था। और वो स्वप्न मुझे लगा कि जैसे मेरे से बड़ा स्वप्न आपका रहा है, और ये आसान नहीं है सपने देखना और उसको पूरा करना, इसलिए मुझे आपसे बात करना इस यात्रा में सबसे ज़्यादा सार्थक लग रहा है। आप मुझे बताइए अपने बारे में। बचपन से मेरा बहुत शौक था, ये भगवान दादा के बाबूराव भगवान दादा नागर जमकस के फिल्म, रंजन के फिल्म और महिपाल के फिल्म, बहुत से फिल्म आते थे। बहुत कभी एक कहना में एक कहना टिकट नहीं रहता था। हाँ। तो मैं इधर उधर काम करके थोड़ा पैसा जमा करता था। हाँ। पार्ट टाइम में। हाँ। स्कूल करके पार्ट टाइम में नहीं जाता था, तो जब पिक्चर इनका पिक्चर लग गया ना, तो मेरे को इतना खुश होता कि यार कभी देखूँ। हाँ। और उसकी एक्टिंग करना। अच्छा। हाँ, कैसे करके भगवान का क्या एक्टिंग, उनका डांस करता, मैं बहुत शौक था। मैं किधर फंक्शन में रहता ना, गणपति फेस्टिवल में स्टेज के ऊपर, तो उसको मैं बोलता था मेरे डांस करता। भगवान दादा से बहुत प्रभावित थे आप? बहुत, मैं उसको गुरु ऐसा मानता हूँ। हाँ। तो मैं कभी उनको मिलूँ, कभी बॉम्बे जाके एक दिन ऐसा मिलूँगा बोल के मैं बहुत सोचा। एक दिन मेरे डैडी ने मारा मेरे पिक्चर देखता है, स्कूल पर जाता नहीं, बोलते मैं बॉम्बे चले गए। बॉम्बे चले गए, भगवान दादा किधर रहते क्या मालूम है। मैं घूमते रहा, होटल में काम किया उधर। तो फिर वापस आ गया। तो वापस आने के बाद में फिर थोड़ा मैं 16-17 साल के होने बाद में मेरे थोड़ा सब आइडिया मिला। मैं ये जो घर में आके मेरे बाबा अब्बास से बोला, मैं जल्दी बॉम्बे जाने के बाद में मार खाया ना, जल्दी मैं किधर जाता, मैं अभी मैंने माफ़ कर दिया। बाद में मैं घर में मेरे बाबू ने बोला, अच्छा ठीक है, अभी तो क्या करेगा, कुछ सीखेगा, सीखता हूँ सीखता हूँ। फिर भी मैंने छोड़ा नहीं फिल्म का। घर में टुकड़ा जो फिल्म थिएटर में जाके वो ऑपरेटर से मिल के मैंने थोड़ा सीखा, साहब मैं चाय ला के देख रहा हूँ, पेड़ लेके आओ, चाय लेके आओ, पट्टी लेके आओ, बिल्कुल लेके आओ, ले जाता था और दिखाते थे। और टुकड़ा जो फिल्म पड़ा उनका जो टुकड़ा रहता है घर में ला के छोटे डब्बे में पहले देखते थे, ऐसा डाल के और डब्बा ला के लेंस लगा के कुछ आइडिया से मैं ऐसा कर देते दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा। उसके बाद में मेरे वश दिमाग में जाता था मैं मशीन भी। हाँ। ऐसे करते 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 मैं 25 साल के बाद में मैं मेरा काम मिला एक जगह में, और नौकरी भी चली गई। अरे। तो मैं प्रोजेक्टर ऑपरेटर सीखा था। हाँ। तो मेरे एक आदमी मिला तो ऑपरेटर है ना हमारे साथ में, चलो। हाँ। कुछ दिनों में हमारा प्रोजेक्टर चलाओगे। अरे वाप ऐसा तो अभी आता हूँ मैं, खुश हो गया मैं। तो लोग खाना पीना दिए, मेरे 50 रुपये दे मिले। अच्छा। वो टाइम में तो करते 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 मैं भी एक छोटा सा प्रोजेक्टर खरीद लिया। हाँ। विदाउट साउंड का,
अच्छा थोड़ा फिल्म भी मिल गया विदाउट साउंड के। वो प्रोजेक्टर कितने का था? 8-8 में दिखा। पहला प्रोजेक्टर कितने का लिया था आपने? 800 रुपये के लिया था। कहाँ से खरीदा था? अच्छा बॉम्बे से। बॉम्बे में गया। कितने साल पहले की बात होगी वो? 1959 में विदाउट साउंड वाला था। हाँ तो मैं वो खरीदी किया 800 रुपये में, तो दिखाने लगा स्कूल में जाके। अच्छा हाँ विदाउट साउंड उसको कार्टून का बन गया मेरा। हाँ तो मैं वो टेप रिकॉर्डर लगा के उसको उसको चेक करता था। अच्छा वो आवाज़ टांग टांग उसका सूट होता है उसका। हाँ मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था उसको मालूम नहीं पड़ता था। हाँ वो घर में टेस्ट करता था, मैं जाके इधर दिखा रहा था। ऐसा करते करते 16 का क्या मैं ए ले लिया प्रोजेक्टर स्कूल में। फिर आटा खाने में शो किया मैं, बाद में 1 रुपये में शो किया बच्चे लोग मिले। 16 mm का कैमरा कितने का था आपका पहला कैमरा? अभी पहले मेरे को 7,000 में मिला सेकेंड हैंड पुराना, बाद में उसके 10,000 एकदम भारी वाला मिल गया। हाँ तो उसके बाद में ऐसा करते 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 35 अच्छा 35 हाँ ये रखा है पीछे। और एक लिया था मैं, हाँ और एक लिया था मैं जो जापान का था, वो मेजियम जापान का। हाँ मैंने वो थोड़ा चौबन देरा बोल के बेच दिया। हाँ ये लिया, अरे इतने में टीवी आ गया, ये आ गया, रेट में उनका प्रोजेक्टर ले लिया था मैं। हाँ स्कूल के बच्चे लोग मिले जिसको में दिखाते ना अभी। हाँ अभी देखते हैं कार्टून ये वो जिसको में जानवर के बारे में बहुत भी थोड़ा फिल्म मिल गया मेरे को इधर किधर, वो जमा करके मैं स्कूल में बताता करके 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 ऐसे जमा किया। इतने में टी वी आ गया, हमारा सब चले गया टी वी के आने से सब नुकसान हो गया। सब अभी डिजिटल का ज़माना आ गया, ये आ गया, सब जाने के बाद मैं परेशान हो गया। अभी ये सब जमा करके रहे मेरी बीवी बोले ये सब भी कहीं पर रखता है पागल है क्या ऐसा बोला। मैं बोला तेरे को समझेगा नहीं कभी, मेरे काम का आएगा, आज मेरे काम का आ रहा है। दूसरे लोग आते मिल गए और मेरे मराठी फिल्म का फेस्टिवल किया। हाँ इतना मैं खुश हुआ, बहुत से लोग आते हैं मेरे मिलते हैं क्या रहता है अच्छी, और बोलते हैं ये कैमरा देखने में नहीं मिलता, मैं कैमरा मैन हूँ। अरे यार बहुत अच्छा है, वेरी गुड, चलो आप चाय पियो सर हमारे साथ में, चलो खाना खाओ सर, इतने लोग मुझे प्यार से देखते हैं, आप प्रकार दीजिए। अभी मैं यहाँ पर सब तीसरा बरस है मेरा, 3 साल से आप यहाँ पर कर रहे हैं। 3 साल से किया है। अच्छा मराठी फिल्म फेस्टिवल का मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अच्छा ऐसे कलाकार आके मिले मेरे को यहाँ पर खुलते हैं मेरा। हाँ कलाकारों से। अच्छा आप आपके पास अभी कितने सारे प्रोजेक्टर हो गए? अभी बहुत प्रोजेक्टर मेरे पास जमा किया मैंने सबको, एक तो सा किधर पड़ा तो किसके पास है देखा तो मैं छोड़ता नहीं था, मेरे को लेके आता था मैं। हाँ मैं आपके प्रोजेक्टर के खजाने की तरफ ले जा रहा हूँ अपने आप को। ओहो इतने सारे प्रोजेक्टर इकट्ठा कर रखे हैं। ये एक बड़ा प्रोजेक्टर 35 mm का, ये भी आपने खरीदा हमारे यहाँ पर मराठी फिल्म फेस्टिवल किया था। हाँ इतने सारे प्रोजेक्टर को सहेजना कितना कठिन काम है, और ये आपने किया। देखिए यहाँ पर फ्लैट प्रोजेक्टर है। हाँ जो हाथ से हम चला रहे थे। हाँ इसमें दिख रहा है ना। हाँ देखो ये ताजमहल दिख रहा है आपको। हाँ यहाँ पर ताजमहल दिख रहा है। एक एक ऐसे स्लैग शो एक एक दिखाता था पहले जी, इसके बाद में वो रिमोट कंट्रोल रिमोट में आया। हाँ ये पहले आए थे बहुत जमाने से पहले, ये 80 साल के रहे सब पुराना। हाँ 80 साल के वो देख रहे हैं वो एक एम एम का शूटिंग कैमरा। हाँ ये दोनों एक एम एम का वो 16 mm के दो 16 mm अभी भी चालू है। अभी आप इनको ठीक करके रखते हो? ऐसे रखा मैं अभी फिल्म मिलता नहीं ना बंद हो गया। हाँ वो 16 mm प्रोजेक्टर है। हाँ ये पोस्टर है जो हमने फिल्म में बताई है इसमें।
ये सारी फिल्में आप दिखा चुके हो? बॉम्बे से लाते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर पास से। हाँ हाँ, जो फेस्टिवल गणपति फेस्टिवल में पोस्टर मांग कर महाराष्ट्र में दसरा बिखरा होता है, तो एकदम चलाते हैं कर्नाटक महाराष्ट्र में धूमों में। कमाल है बहुत पुराना है, 1947 को बहुत पुराना। नूर ए यमन ये बसंत स्टूडियो बॉम्बे में 1946 की फिल्म है। हाँ, बहुत पुरानी। हाँ, 1940 का है। बताइए मेड इन इंडिया। आपको ये सब काम करने में क्या संतोष मिला है, क्या सुकून मिला है? बहुत, अभी यहाँ पर बहुत मेरे को इतना आनंद हो गया है, बहुत से लोग आते हैं देखते हैं, बहुत से मैं ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम करता था, डांस करता था, सीटी बजाते थे, इससे भी ज़्यादा ये इसमें मेरे को बहुत खुशी होती है, बहुत से कलाकार मिल गया, आनंद इतना आनंद होता है, बहुत खुश हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि और भी कोई कोई ऐसे गाँव में बुलाएंगे तो मेरे को, तो मैं वहाँ जाके ये मेरा प्रदर्शन दिखाना चाहता हूँ। ये सारे जो आपका कलेक्शन है, संग्रह है, वो आप पूरे देश में ले जाना चाहते हैं? और भी खुशी हो जाएगा मेरे। अच्छा, मेरा खुशी ये है, इच्छा है कि कभी ना कभी ऊपर वाला देगा मेरे विचार। अभी आए थे कोई कोई बोले मेरे को, हाँ हाँ, नागपुर में बुलाएंगे और चेन्नई में बुलाएंगे। हाँ, सब लोगों ने कार्ड दिया है मेरे को, देखेंगे उसके क्या होता है, उसके हाथ में है, और भी मेरे को चांस बढ़ेगा।